वेलकम टू माई चैनल। आज मैं आपको मलाई रोल बनाना सिखा रही हूँ, जिसके लिए मैंने 5 से 6 अदद ब्रेड लिए हैं। उनको मैंने किनारों से कट कर लिया है। 1 कप मैंने रबड़ी ली है। 2 से 3 टेबल स्पून मैं इसके अंदर आइसिंग शुगर लूँगी और 1 ही कप मैंने इसके अंदर खोया लिया है। अब सबसे पहले हम खोए के अंदर 2 से 3 टेबल स्पून आइसिंग शुगर ऐड करेंगे और उसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप शुगर जो है अपने टेस्ट के मुताबिक भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें। डो की शक्ल में आपने लेकर आना है। अगर आप इलायची का टेस्ट लाइक करते हैं तो आप इसके अंदर इलायची पाउडर भी 1 चुटकी डाल सकते हैं। ये देखें व्यूवर्स, खोया जो है उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, उसे पेड़े की शक्ल में ले आया और साथ ही हम लोगों ने अपने ब्रेड जो है उसे भी बेल लिया है। ये देखें इसकी ये शेप आ गई है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा खोया लेंगे, उसको इस तरह से हम रोल करते जाएंगे। ये हमने इससे रोल कर लिया। अब हम इसके अंदर रख के इसको इस तरह से रोल कर लेंगे। रोल करके हम इसको साइड पे रखते रहेंगे। इसी तरह हम करके तमाम अपने ब्रेड जो है उसको रोल करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने अपने तमाम रोल बना लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन रोल को जो है हाफ हाफ कट करते जाएंगे। इस तरह करके तमाम रोल जो है हम कट कर लेंगे। हमने सारे रोल्स जो हैं वो अच्छी तरह से हाफ हाफ कट करके एक बाउल में रख ली हैं। अब इसके ऊपर रबड़ी डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से सेट कर लें। ये देखिए व्यूअर्स, हमारे मलाई रोल जो है वो बिल्कुल रेडी हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर अपने घर में ट्राई करें और मेक श्योर इसको बनाने के बाद जो है 2 to 3 hours जो है आप इसको रेफ्रिजरेटर पे रखें, उसके बाद आप इसको खाएं तो इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा होगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन पर क्लिक करें ताकि हमारी आइंदा तमाम वीडियोस जो हैं आप तक आसानी से पहुंच सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।